नमस्कार बच्चों, आज से एजुकेशन हब की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। कल तक हमने पढ़ा था कि कर्म के आधार पर क्रिया के भेद, और आज हम पढ़ेंगे संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। संरचना के आधार पर क्रिया के पांच भेद होते हैं। कितने? पांच। संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और कृदंत क्रिया। और यानी कि ये क्या क्या होती है, जैसे पहले है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया क्या होती है? जब दो या दो से अधिक भिन्न अर्थ वाली क्रियाओं का मेल हो, यानी कि संयुक्त क्रिया। संयुक्त से आपको पता तो चल रहा है कि भाई एक क्रिया तो होगी नहीं उसमें, संयुक्त उसका दो दो होंगी या दो से अधिक उन क्रियाओं का जब मेल होता है तो उस मेल को क्या कहते हैं? संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे अब अतिथि आ गए हैं, स्वागत करो, तो इसमें दो क्रिया कौन सी हो गई? आ गए और स्वागत करो, यानी कि अतिथि आ गए हैं, स्वागत करो, दोनों क्रियाओं का मेल हो गया। अरे दो क्रिया हैं, आ गए हैं और स्वागत करो, तो इन दोनों क्रियाओं का मेल हो गया, तो ये कौन सी क्रिया हो गई? संयुक्त क्रिया। ऐसे यानी कि हमें जाना है, तैयारी करो, ठीक है। इसी प्रकार जो दो या दो से अधिक क्रियाओं का जहां मेल हो जाता है वहां पर कौन सी क्रिया होती है? संयुक्त क्रिया। दूसरा है नाम धातु क्रिया। आपकी नाम धातु क्रिया क्या होती है? नाम धातु संज्ञा सर्वनाम व विशेषण शब्द जब धातु की तरह प्रयुक्त होते हैं उन्हें नाम धातु कहते हैं, और इन शब्दों पर जब प्रत्यय लगाकर क्रिया का निर्माण किया जाता है तो ये शब्द क्या कहलाते हैं? नाम धातु क्रिया कहलाते हैं। जैसे हाथ, हाथ जैसे हमारा हाथ है, हाथ क्या है? संज्ञा है, और इससे जो नाम धातु शब्द बना वो कौन सा है? हतिया। और इसमें ना प्रत्यय लगाकर ये क्या बन गया? हतियाना, यानी कि पाना, ठीक। इसी प्रकार क्या हो गया? संयुक्त क्रिया हो गई, नाम धातु क्रिया हो गई। अब तीसरी है हमारी प्रेरणार्थक क्रिया, कि भाई प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है। अब प्रेरणार्थक क्रिया के बारे में हम जानेंगे कि भाई प्रेरणार्थक क्रिया आखिर होती क्या है। प्रेरणार्थक क्रिया वह होती है कौन सी, जिसमें व्यक्ति ना तो स्वयं काम करता है बल्कि दूसरों के द्वारा, ठीक है, दूसरों के द्वारा जब कार्य करवाता है तो वो कौन सी क्रिया कहलाती है? प्रेरणार्थक क्रिया। यानी कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी और से करवाए या किसी और से कहकर करवाए, वो प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। जैसे तीसरी कौन सी है? प्रेरणार्थक। प्रेरणार्थक क्रिया आखिर होती क्या है? जब कर्ता स्वयं कार्य का संपादन न कर यानी कि जो कर्ता स्वयं कार्य नहीं करवाता है बल्कि दूसरे से करवाता है, दूसरे को कार्य के लिए प्रेरित करें, करे या करवाए, उसे क्या कहते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया। उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। अब प्रेरणा कैसे? भाई जब कर्ता स्वयं कार्य नहीं करवाता है बल्कि वो दूसरों के अनुसार उनको प्रेरित करके उनके द्वारा जो कार्य करवाता है वो कौन सी क्रिया कहलाती है? प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे कि गांव के सरपंच ने तालाब बनवाया, जो सरपंच है, गांव का सरपंच है, उसने स्वयं ने तो तालाब बनाया नहीं है बल्कि उसने वर्कर जो भी है वो लगा के क्या करवाया? तालाब का निर्माण
करवाया है। तो इस प्रकार क्या हो गई, ये प्रेरणार्थक क्रिया, और इनसे दूसरों को प्रेरणा भी मिलती है। ऐसी क्रियाएं जो स्वयं करता स्वयं ना करके किसी और के द्वारा जिस कार्य का संपादन करवाया जाता है, वो कौन सी क्रिया होती है, प्रेरणार्थक क्रिया। अब चौथी कौन सी है, पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है, पूर्वकालिक क्रिया वो क्रिया होती है जिसमें यानी कि एक क्रिया पहले से पूर्ण हो जाए और दूसरी क्रिया हो, यानी कि एक क्रिया तो संपूर्ण हो जाए, एक क्रिया संपूर्ण होकर दूसरी क्रिया करे, वो क्या कहलाती है, पूर्वकालिक क्रिया। यानी कि एक क्रिया पूर्व में हो चुकी है, पूर्व में एक क्रिया हो चुकी है, उसको कौन सी क्रिया कहते हैं, पूर्वकालिक क्रिया। जब किसी वाक्य में दो क्रिया प्रयुक्त हो तथा उनमें से एक क्रिया दूसरी क्रिया से पहले संपूर्ण हो, जो क्रिया पहले संपूर्ण हो जाती है वो कौन सी क्रिया कहलाती है, पूर्वकालिक क्रिया। तो उस क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे पूर्वकालिक क्रिया क्या हुई भाई, जैसे कि राम पढ़कर सोएगा, ठीक है, या पढ़कर सो गया, ठीक, या फिर राम खाना खाकर पढ़ेगा, तो इसमें पहली क्रिया संपूर्ण हो गई। या आप ये समझ लो जिसमें भी कर आ गया ना, पढ़कर खाकर सोकर, तो उसमें सभी में कौन सी क्रिया होती है, पूर्वकालिक क्रिया होती है। जैसे राम पढ़कर खेलने जाएगा, पढ़कर आ गया, दूसरा है राम खाना खाकर सोएगा, या सो गया, बात वही है, सोएगा या सो गया, तो इसमें कर आ गया। जहां पर भी आपको पढ़कर खाकर बैठकर उठकर कर शब्द जहां भी आपको दिख जाए, तो उसमें कौन सी क्रिया होती है, पूर्वकालिक क्रिया होती है। और हमारी अब एक लास्ट क्रिया बच रही है, कौन सी है, कृदंत क्रिया। और कहीं कहीं पर ये क्रिया आज्ञार्थक क्रिया भी मिलती है, लेकिन जो सीबीओ अपना आरबीएससी जो पैटर्न है उसके आधार पर जो ये क्रिया है कौन सी है, कृदंत क्रिया। अब देखो कृदंत क्रिया फिर होती क्या है, कृदंत क्रिया क्रिया शब्दों से जुड़ने वाले प्रत्यय क्या कहलाते हैं, भी जो क्रिया शब्दों से जुड़ते हैं वो प्रत्यय कौन से प्रत्यय कहलाते हैं, कृत प्रत्यय कहलाते हैं।
और जो ये कृत प्रत्यय है और जो कृत प्रत्यय के योग से जो शब्द बनते हैं तथा कृत प्रत्यय के योग से जो शब्द बनते हैं वो क्या कहलाते हैं? कृदंत। कृदंत और इन जो ये कृदंत शब्द हैं जो कृदंत और इन शब्दों के अंत में जब प्रत्यय लग जाता है तो क्रिया शब्दों के अंत में प्रत्यय लगने से जो शब्द बनते हैं वे कृदंत क्रिया कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कृदंत क्रिया कहलाते हैं। जैसे चल शब्द है, ठीक, इससे चल से हम बना सकते हैं ताप प्रत्यय लगता है तो चलता क्रिया बन गई। अगर ना प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? चलना, ठीक। इसी प्रकार जो भी सब मुचक चलकर, ठीक, ऐसे ही दूसरा कोई भी शब्द लगा लो, पढ़ शब्द लगा लो आप, पढ़ से ना आप अगर हम ता प्रत्यय जोड़ेंगे तो वो क्या बन जाएगा? पढ़ता, ठीक। अगर इसी के आगे हम उसके ना प्रत्यय जोड़ेंगे तो पढ़ना और कर प्रत्यय जोड़ेंगे तो पढ़कर। तो इस प्रकार जो भी कृत प्रत्यय क्या क्रिया के क्रिया शब्दों के अंत में जो प्रत्यय जुड़ते हैं वो कृत प्रत्यय कहलाते हैं और इन जो कृत प्रत्यय से जो शब्द बनते हैं वो कृदंत और इन कृदंत शब्दों के अंत में अगर प्रत्यय लगाकर जो शब्द बनते हैं वो क्या कहलाते हैं? कृदंत क्रिया कहलाते हैं। इस प्रकार हमारे जो संरचना के आधार पर जो क्रिया के भेद थे वो संपूर्ण हो गए। अब मैं आपको दो या तीन क्वेश्चन दूंगी, उनको आपको सोल्व करने हैं। पहला प्रश्न, पूर्वकालिक क्रिया क्रिया किसे कहते हैं? ठीक, दूसरी प्रश्न है, प्रश्न नंबर दो है, प्रेरणार्थक क्रिया के पांच उदाहरण लिखिए। प्रश्न नंबर तीन, संरचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? नाम लिखो। आज का हमारा चैप्टर यहीं पर खत्म होता है, ठीक है। इनको आपको अच्छे से पढ़ना है, पढ़ करके याद करना है। कल हम पढ़ेंगे, हमने क्रिया के तीन प्रकार से रूप बताए थे। पहला कौन सा था? क्रम के आधार पर क्रिया, वो हमने कल पढ़ ली थी। आज हम पढ़ रहे हैं क्या? कृदंत यानी कि संरचना के आधार पर क्रिया, और इसके आगे की वीडियो में हम पढ़ेंगे काल के आधार पर क्रिया के भेद, के काल के आधार पर क्रिया के भेद। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।